हेलो प्यारे बच्चों, इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो ये सवाल दूरी, चाल और समय का है। तो हमारे पास गति दे रहा है या चाल दे रहा है उसकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर दूरी किलोमीटर में पूछी है, तो समय हमें दिया हुआ है 3 घंटे 15 मिनट। तो हम मिनट का भी घंटा बना लेंगे। 3 घंटे प्लस 15 को अगर 60 से भाग लगाते हैं तो ये घंटे बन जाएंगे हमारे पास। तो इस तरह से 3 प्लस 15 चौक 60, 1/4 इतने हमारे पास घंटे आ जाएंगे। तो 4 3 12, 12 13, 13/4 घंटे बनेंगे हमारे। तो अब हमें निकालनी है दूरी। तो दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल हमारे पास है 48 और समय हमारे पास 13/4, और ये आ गई किलोमीटर में। तो 4 से काटेंगे इसे, 12 चौक 48, 12 गुणा 13 किलोमीटर। 13 दूनी 26 की 6 आंसर लगा 2, 13 कम 13, 13 और 2 15, तो 156 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो इसका उत्तर हुआ 156, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।